अब जाओ ना इधर आइए ना आप, मैं बोल रही हूँ आप इधर आइए, आप पता नहीं क्यों चलिए इधर घूमने वाले, ये लोग लेने वाले आप इधर घूम जाओ, इधर इधर घूम जाओ अभी तो अभी चलो उठो दो दो हाँ हाँ हो गया हाँ सब हो गया क्लब ऑफ बरेली मरकरी की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग दो महीने से करीब ये कंबल बांटने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जाड़े में जो लोग टूट रहे हैं उन लोगों के लिए हम कंबल बांट रहे हैं और हर साल ही हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। कितने कंबल बांटे आपने? हम लोग अब तक 100 कंबल बांट चुके हैं। कहाँ कहाँ कार्यक्रम करा अभी तक? हम लोगों ने कैंप में किया था और इधर संता बंता के आसपास किया था, आज हम बांके बिहारी मंदिर के पास कर रहे हैं ये प्रोग्राम। आगे आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधा सक्सेना है। क्या कार्यक्रम है मैडम? क्लब बरेली मरकरी की मैं प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोगों ने यहाँ पे राजेंद्र नगर में बांके बिहारी मंदिर पर हम लोगों ने करीब 100 कंबल बांटे हैं रिक्शे वालों को और सब जितने भी आसपास के जो लोग जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। और बाकी हम ये दो महीने से कार्यक्रम कर रहे हैं, खुदेश यहाँ पे बांट चुके हैं, खाटू श्याम मंदिर पे बांट चुके हैं, आलमगिरीगंज में, डेला पीर पे और कई मंदिरों में हम लोग जा के और सुबह भी हम उठ के जाके बांट रहे हैं, शाम को जाते हैं तो शाम को भी हम लोग को लगता है कि यदि ठंड में जो सिकुड़ रहे हैं उनको बांट रहे हैं दे रहे हैं फोटो। और ये हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं अपने मीडिया के द्वारा कि इस इतनी कड़कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है बरेली में, आज शायद 40 साल का रिकॉर्ड है, जो पहले 40 साल पहले जो ठंड पड़ती थी, तो इसको देखते हुए यदि आपके पास समय है और यदि आपके पास कुछ है तो आप लोगों को देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, बस मैं यही कहना चाहूँगी। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम रचना सक्सेना है। इनरवीर क्लब बरेली मरकरी की तरफ से आज हम लोग कंबल बांट रहे हैं और लगातार ये कार्य चल रहा है ठंड को देखते हुए और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है और जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग आगे आएं और सब लोग गरीबों की मदद करें और जहां तक प्रयास हो कि कोई इस ठंड में ठिठुरता हुआ दिखे तो उसको ज़रूर मदद करें, नया नहीं सही तो पुराना ही दें लेकिन ज़रूर दें। कितने कंबल बांटे आपने? हम लोगों ने अभी तक 100 कंबल बांट चुके हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा जी आई थी, उनके साथ भी हमने ये प्रोजेक्ट किया था और ये प्रोजेक्ट हमारा चलता ही जा रहा है और सभी से अपील है कि कोशिश करें कि सभी को एक छोटी सी मदद ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।